राहुल गांधी, सोनिया गांधी, रणदीप सिंह सुरजेवाला जैसे नेताओं के रवैये को एक तरह से किनारे लगाते हुए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने पीएम की तरफ से घोषित किए गए लॉकडाउन की सराहना की, जबकि कांग्रेस के नेता और पार्टी इस बात को लेकर पीएम मोदी की आलोचना कर चुके हैं। पी चिदम्बरम ने न सिर्फ पीएम की तारीफ की, बल्कि चिदम्बरम ने देश के लोगों से ये भी कहा कि इस मुश्किल वक्त में वे प्रधानमंत्री को कमांडर समझें और पैदल सैनिक की तरह उनकी बात को अच्छे से अनुसरण करते हुए कोरोना वायरस का मजबूती से सामना करें। इस मुश्किल वक्त में गरीब, किसान और मजदूरों के बैंक खातों में पैसे डालने के लिए चिदम्बरम ने 10 सूत्रीय योजना का सुझाव भी दिया और साथ ही 1 अप्रैल से 30 जून 2020 तक सभी आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दरों में 5% की कटौती की भी मांग की। चिदम्बरम की ओर से दिए गए बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी की ओर से किए गए 21 दिन का देशव्यापी लॉकडाउन कोविड-19 वायरस के खिलाफ जंग में एक ऐतिहासिक कदम है। 24 मार्च से पहले की बहस को हमें पीछे छोड़कर देशव्यापी लॉकडाउन को एक नई लड़ाई की शुरुआत के रूप में देखना चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री कमांडर हैं और जनता पैदल सैनिक। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री केंद्र और राज्य सरकारों को अपना पूरा समर्थन दें और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हालांकि चिदम्बरम ने स्पष्ट किया कि ये उनका निजी विचार है, पार्टी का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए भूतपूर्व कठोर कदम उठाते हुए देश में 21 दिनों के लिए लॉकडाउन की घोषणा की, जिसके बाद केंद्र सरकार ने कहा कि इस अवधि के दौरान सभी सड़क, रेल और हवाई सेवाएं निलंबित रहेंगी। चिदम्बरम ने लोगों से घर पर रहने का आग्रह किया। केंद्र सरकार को दिए अपने सुझावों में चिदम्बरम ने लोगों के वेतन और नौकरी को सुरक्षित बनाने का अनुरोध किया है। रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।